अब किसी की प्राण शक्ति बहुत कमजोर है, आभा मंडल बहुत कमजोर है, शरीर के भीतर और बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं। वो जैसे ही कमजोर पड़ता है तो रोग हमें आ घेर लेते, उसके लिए जरूरी है प्राणायाम कीजिए। और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत इन मुख्य पांच प्राणायामों के साथ साथ एक और प्राणायाम है, उसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। श्वास भर के ऐसे 2 से 2.5 मिनट अधिकतम, इससे ज्यादा मत रोकना, श्वास को रोक के रखिए। मैं आपको 1 मिनट तक रोक करके दिखाता हूँ, ऐसे तो मैं 2.5 मिनट तक रोक सकता हूँ, लेकिन आपको 1 मिनट रोक करके दिखा रहा हूँ। ऐसे श्वास को रोक करके ऐसे भर के रखना, इससे आपके फेफड़े भी पूरे विकसित हो जाएंगे। किसी किसी पुरुष के ना फेफड़े ऐसे खिले हुए नहीं होते, पुरुषों के वक्ष के पूरे विकास के लिए, महिलाओं के ब्रेस्ट के पूरे विकास के लिए। ये भस्त्रिका अनुलोम विलोम दो प्राणायाम तो जरूरी है, ये अभ्यंतर प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, और उनको शतावर चूर्ण अवश्य लेना चाहिए। महिलाओं को शतावर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम, और पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली तीनों, और बहुत ज्यादा यौन दुर्बलता भी है तो कोंच के बीच, ये चारों। वैसे इनके लड्डू भी बना सकते हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये पतंजलि गाय का घी ले लीजिए, उसमें थोड़ा उनको भून लीजिए, थोड़ा सा सेक लीजिए, या पहले पतंजलि सूजी ले लीजिए, मोटा रवा होता है ना, पतंजलि सूजी ले लीजिए, उसको गाय के घू में भून लीजिए, और जब अच्छे से भून जाए तब थोड़ा सा इनको सेक लीजिए, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। उसमें आप थोड़ा गोंद डाल सकते हैं, गोंद को भी सेकना जानती हैं महिलाएं। उसमें आप फ्लैक्सीड, अलसी के बीज डाल सकते हैं ये, और जो थोड़ा थोड़ा मगज, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अखरोट, थोड़ा किशमिश, थोड़ा बादाम, ये मगज, अलग अलग प्रकार के जो खीरे के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, सनफ्लावर के बीज होते हैं, थोड़े मगज डाल लीजिए उसके अंदर और आप खाइए, इतनी ताकत मिलेगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं कमजोरी के लिए। और एक ही अभ्यास, मैंने कहा 1 से 2 मिनट अधिकतम 2.5 मिनट ऐसे श्वास को भर के रोक के रखना। मैं रोज करता हूँ, इसलिए तो मुझे सर्दी नहीं लगती, अभी भी सर्दी आ रही द्वार में, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि मैं रोज प्राणायाम करता हूं, और ये रोकने वाला प्राणायाम भी करता हूं ऐसे। ऐसे ये 1 मिनट मैंने करके बताया आपको, आप ऐसे करेंगे ना तो आपकी छाती, आपका सीना, आपका वक्षस्थल बहुत सुंदर हो जाएगा, पुरुषों का भी और महिलाओं के ब्रेस्ट का भी पूरा विकास होगा, उभरा हुआ सीना। ये स्त्रियों हो या पुरुष हो, उनको सुंदर बनाता है योग से। स्वास्थ्य तो आपको मिलता ही है, सुंदरता भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, शांति मिलती है, सब समाधान मिलता है, समाधि मिलती लगती है, ये बात बड़ी बात।